छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के ग्राम झरगाबा में हितग्राहियों के राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, जहां पर हितग्राही अपनी शिकायत लेकर सैकड़ों की तादाद में अंबिकापुर स्थित कलेक्टर दफ्तर पहुंचे। दरअसल लखनपुर के ग्राम पंचायत झरगाबा में पिछले 3 महीने से राशन कार्डधारियों को राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर कई दफा की, इसके बावजूद अधिकारी टालम टोल करते रहे, जिसके बाद गुस्सा सैकड़ों ग्रामीणों ने अंबिकापुर के कलेक्टर दफ्तर का कूच किया, जहां पर सैकड़ों की तादाद में ग्रामीण पहुंचे और अपनी बात कलेक्टर से कही। उन्होंने कहा कि हमेशा राशन वितरण में लापरवाही बरती जा रही है। इधर कलेक्टर ने तत्काल ग्रामीणों की शिकायत संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। नहीं सर, हम लोग को समय ऊपर का राशन नहीं मिल रहा है। इस बार हम लोग को बोनस सहित 60 किलो चावल था, तो उसमें से 40 किलो चावल मिलता है। क्या बोलता है? नहीं, आधा बाद में दूंगी बोलती है। तो पूछे नहीं क्यों आधा बाद में देंगी? तो उसके बारे में तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार नहीं हुआ है, कईयों बार हुआ है। मामला ये है सर कि हमारे यहाँ जो है 3 महीना मतलब अक्टूबर नवम्बर दिसंबर से चावल वितरण नहीं हो रहा है, और अक्टूबर में हुआ लेकिन वही आधा हुआ बोनस वोनस जो है किसी को नहीं मिला है, और चना भी एक पैकेट नहीं मिला है, चना भी कम है। तो इसके एक बार जो है इसके लिए जो है शिकायत किया गया था अपना यहाँ तहसील ब्लॉक अंतर्गत, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुआ। चावल बस चावल समस्या, सोसाइटी वाला चावल। हाँ, सोसाइटी वाला चावल मिलता है। हुँ? मिलता है सोसाइटी वाला चावल? मिलत रही तो अभी नहीं मिला थे। कितना महीना से नहीं मिला? 3 महीना। क्या बोल रहा है? मिलेगा मिलेगा कहे देवे नहीं करे जी। ये गांव इरगम्मा में शासकीय उचित मूल्य दुकान है, उसको लेकर ग्रामीण आए हैं। उनका ये कहना है कि अक्टूबर और नवंबर माह का राशन वितरण नहीं हुआ है। इसमें एक्चुअली दो पक्ष सामने आ रहे हैं। एक पक्ष का ये कहना है कि राशन वितरण नहीं हुआ, दूसरा पक्ष ये बोल रहा है कि गांव के कुछ आदमियों द्वारा जो है उचित मूल्य दुकान में ताला लगा दिया गया और राशन वितरण नहीं कराया जा रहा है। तो हमारे मेरे द्वारा जो फूड इंस्पेक्टर नायब तहसीलदार, वो कल दुकान में भेजा जाएगा और जाँच करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।